अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं जलंधर बिल्डिंग मटेरियल स्टोर यूट्यूब चैनल। दोस्तों कल हमारे एक दोस्त ने 5 मल्ला घर की छत पर लेंटर डाला है। तो दोस्तों कल जब लेंटर डल रहा था तो हमने तमाम कंस्ट्रक्शन मटेरियल और जो भी मजदूरी उनकी थी उसकी लिस्ट एक बना ली थी ताकि हम आपको वीडियो में बता सकें कि लेटेस्ट रेट्स के मुताबिक अगर आप 5 मल्ला घर पर लेंटर डालते हैं तो आपकी कितनी कॉस्ट आएगी। तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों लेंटर में सबसे पहले हम बात करते हैं सरिया की। दोस्तों सरिया हमने इस लेंटर में डाला 4 सूत्र का और 60 ग्रेड का। आप भी जब भी अपने लेंटर में सरिया इस्तेमाल करें तो 60 ग्रेड का सरिया इस्तेमाल करें। और इधर जो है इनके 5 मल्ला घर में तकरीबन 1150 kg सरिया लगा है और सरिया का 4 सूत्र का आज जो रेट है 60 ग्रेड का वो था 133 रुपये। इस तरह इनका टोटल जो सरिया लगा है वो है 1,53,000 का। इसी तरह बात करते हैं दूसरे अहम तरीन मटीरियल की जो लेंटर में इस्तेमाल होता है सीमेंट के बारे में। सीमेंट के इनके टोटल बैग लगे हैं जी 78 और 605 रुपये आज का रेट था। इस हिसाब से इनका जो सीमेंट लगा है वो लगा है 47,000 रुपये का। तीसरे नंबर पर बात करते हैं बजरी की। बजरी इनकी जो लगी है वो 430 क्यूबिक फीट लगी है और दोस्तों हमारे इधर आज के रेट के मुताबिक 62 रुपये पर क्यूबिक फीट बजरी का रेट है। तो इस तरह इनकी जो बजरी लगी है वो लगी है 27,950 रुपये की। दोस्तों यहाँ पर जो मैं रेट्स आपको बता रहा हूँ रेट्स में फ्लक्चुएशन हो सकती है, आपके इलाके में रेट्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, ये बात आपने जहन में रखनी है। जो क्वांटिटी मैं आपको बता रहा हूँ ये इतनी ही लगेगी अगर आप भी 5 मल्ला का लेंटर डालेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं चौथे नंबर पर हमारे पास रेत है। रेत लगी है जी इनकी 200 क्यूबिक फीट और 1 क्यूबिक फीट का रेट है 22 रुपये। इस तरह जो रेत इनकी बनती है वो बनती है 4,400 रुपये की। और अब बात करते हैं सरिया तार की जिससे सरिया को बांधा जाता है, वो लगी है जी इनकी 2 kg और 1 kg का रेट है तकरीबन 200 रुपये। इस तरह 400 रुपये की इनकी सरिया तार लगी। जी तो दोस्तों बात करते हैं शटरिंग की। शटरिंग की बात करने से पहले दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलो दोस्तों बात करता हूँ मैं शटरिंग की, शटरिंग का इनका कितना खर्चा आया। दोस्तों शटरिंग की जो टोटल इनकी कास्ट आई है वो आई है 32,000 रुपये। हमारे जो इधर शटरिंग का रेट है वो है 30 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो इस तरह इनकी 32,000 रुपये कास्ट आई है। आपके यहाँ ये थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। अब बात करता हूँ मैं बिजली की वायरिंग वगैरह पर जो इनका खर्चा है वो तकरीबन आया है 8,500 रुपये। और अब लास्ट पर मैं बात करता हूँ मशीन वालों की मजदूरी की और जो मजदूर या मिस्त्री वगैरह उधर काम पर होते हैं उनका तकरीबन इनका टोटल बना है जी 15,000 रुपये। तो इस तरह मैंने आपको तमाम मटेरियल्स की और मजदूरी की डिटेल्स बता दी हैं। ये अगर आप इनको टोटल करें तो ये बनता है तकरीबन 2,88,250 रुपये। दोस्तों ये हमारे इधर एरिया के रेट्स के हिसाब से है, अगर आप अपने एरिया के रेट्स के हिसाब से लगाएं तो ये अमाउंट कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि किसी जगह पर बिल्डिंग मटेरियल के रेट्स कम होते हैं, कुछ रेट्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप एवरेज निकालें तो 3 लाख के अराउंड अबाउट आपका 5 मल्ले का जो है वो लेंटर डल जाएगा। तो दोस्तों इसके मतलब कोई और आपका क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।